मैडम, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ थ्रेडिंग करने से पहले और थ्रेडिंग करने के बाद हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए जिससे कि थ्रेडिंग हमारी बेस्ट हो सके। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि दी ये तो बताओ कि थ्रेडिंग करने के बाद मेरे फेस पे दाने क्यों आ जाते हैं, दाने आ जाते हैं और थोड़े से निशान आ जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो आज के वीडियो में मैं वो भी बताऊँगी, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी जानकारियाँ दूँगी मैं। अपनाने के बाद आप इस फील्ड में बहुत आगे बढ़ सकोगे। तो पहला प्रोसेस होता है सीखने का, अच्छी तरह से लर्न करना, यानी कि जो भी बताया जाए उसको सीखना, प्रैक्टिस करना। उसके बाद होता है जब हम, जैसे कि हमने धागा सीख लिया चलाना अच्छी तरह से, उसके बाद होता है कि हमें थ्रेडिंग बनानी है ना। धागा सीखा क्यों? क्योंकि थ्रेडिंग बनानी है, और थ्रेडिंग बनानी है जब हमने सीख लिया धागा चलाना और थ्रेड चलाकर हम आईब्रोज या फिर अपर लिप्स या फोरहेड या फेस की थ्रेडिंग करना हमें आ गया, तो फिर हमें सीखना है बारीकियां कि थ्रेडिंग में कौन कौन सी बारीकियां होती हैं और क्या करने से हमारा काम बेहतर हो सकेगा। तो आज मैं वही बारीकियां बताने वाली हूँ, वही सावधानियां बताने वाली हूँ जिसको अपनाने के बाद आप अपनी अपने काम को बेस्ट कर सकेंगे, दूसरों से बेहतर कर सकेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इधर उधर जाइएगा मत, बहुत कुछ आज इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत कुछ मैं ऐसा शेयर करने वाली हूँ शायद आपने कहीं से पढ़ा या सुना नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब हम थ्रेडिंग करने जाते हैं सीखा, तो हमने क्या सावधानी बरतनी है वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, और जो थ्रेडिंग करवा कर जाते हैं यानी कि आपके क्लाइंट, यानी कि हमारे क्लाइंट, उनके लिए भी मैं कुछ सावधानियाँ बताने वाली हूँ यहाँ पे। इतना करने, ये करने के बाद आपकी थ्रेडिंग बेस्ट हो जाएगी। तो सबसे पहली बात है कि जब हम थ्रेडिंग करने जाएं तो एक ऐसे चेयर होनी चाहिए हमारे पास जिसपे हम अपने क्लाइंट को अच्छी तरह से बिठा सकें, वो कंफर्टेबल हो, ठीक है ना। उसके बाद आपका धागा बहुत स्मूथ, बहुत अच्छा चलना चाहिए जिससे कि क्लाइंट के छोटे छोटे बाल भी निकल आए। उसके बाद है कि स्किन को स्ट्रेच अच्छी तरह से करना चाहिए, यानी कि नीचे की स्किन को नीचे क्यों खींचे, ऊपर की स्किन को ऊपर क्यों खींचे, जिससे कि स्किन आईब्रोज बनाते हुए बिल्कुल स्ट्रेच हो जाएगी, धागा बहुत ही अच्छी तरह से चलेगा और बिल्कुल भी दाने भी नहीं आएंगे और कट्स भी नहीं लगेंगे। तीसरी बात है कि आईब्रोज बनाते समय या जहाँ भी आप थ्रेडिंग कर रहे हो वहाँ कोई भी क्रीम नहीं लगी होनी चाहिए, कोई भी क्रीम या कोई भी मॉइस्चराइजर लगा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑयली स्किन पे धागा ठीक से नहीं चलता है, क्रीम अगर लगा हो तो फिर आप स्किन को क्लीन कर लें। उसके बाद स्किन को हमने ड्राई करने के लिए हमें चाहिए पाउडर और कॉटन। कॉटन इसलिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि एक क्लाइंट के पर आप कॉटन यूज़ करके इसको फेंक दें, ये क्या होता है ना, इन्फेक्शन नहीं होता इससे एक दूसरे का, और क्लाइंट भी खुश होंगे कि हमारे लिए फ्रेश कॉटन यूज़ किया है। तो इस तरह से पाउडर लगाकर आईब्रोज पे आईब्रोज को बिल्कुल ड्राई कर दें। जब थ्रेडिंग आपकी हो जाए तो सबसे पहले ब्रश से सारे बालों को क्लीन कर दें इस तरह से, हाँ, और उसके बाद जो बाल एक्स्ट्रा हैं उसको कैंची की सहायता से काट दें, और उसके बाद उस पर एस्ट्रोजन लगाना ना भूलें। एस्ट्रोजन लगाने से बाल निकलने के बाद जो पोर्स ओपन हो जाते हैं ना, एस्ट्रोजन लगाने के बाद वो बंद हो जाते हैं। एस्ट्रोजन लगाने के बाद स्किन किसी किसी की बहुत सेंसिटिव होती है, तो दो मिनट उस उनके आईब्रोज पे या फेस पे मसाज जरूर करें, ठीक है। तो ये हमारा है थ्रेडिंग करने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए। अब है कि थ्रेडिंग हो गई तो थ्रेडिंग करने के बाद हमें क्या सावधानियां करनी चाहिए जिससे कि दाने ना हो, आपके फेस पे दाने ना हो और थ्रेडिंग आपके लिए पेनफुल ना हो। तो पहली बात तो ये है कि क्लाइंट थ्रेडिंग कराने के बाद अपने हाथों से आईब्रोज को या जो जगह पे थ्रेडिंग करी है उसको बार बार टच ना करें। स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और थ्रेड करने के बाद और भी सेंसिटिव हो जाती है, लेकिन हमारे हाथ हमेशा साफ नहीं होते, गंदे होते हैं, तो उन गंदे हाथों को अगर हम टच करते हैं तो वहाँ पे दाने निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात है, दूसरी सावधानी क्या है कि थ्रेडिंग कराने के बाद हमें ब्लीच नहीं करना चाहिए, ब्लीच नहीं करवाना चाहिए, फेशियल भी अगर हो सके तो ना कराया, क्योंकि पोर्स जो है ना खुले होते हैं, स्किन सेंसिटिव हो गई होती है और उस पर ब्लीच फेशियल का असर खराब हो सकता है, उससे भी आपके रेसेस आ सकते हैं, दाने आ सकते हैं। तीसरी बात है, तुरंत थ्रेडिंग कराने के बाद आप धूप पे ना निकलें, धूप
कि जो सनरे होती है ना बहुत तीखी होती है और वो आपके सेंसिटिव स्किन पर तुरंत अटैक करती है और वहां भी आपके रैसेज आने के चांसेस हो जाते हैं। चौथी बात क्या है कि थ्रेडिंग करने के बाद हल्की सी खुजली भी हो सकती है, तो आप खुजली तो बिल्कुल ही ना करें, बल्कि अगर ऐसा होता है तो आप उस पर आइस की मसाज कर लें, कोई पैक लगा लें जिससे कि स्किन कूल हो जाए, ठंडी हो जाए। तो ऐसा करने से आपके स्किन पे दाने बिल्कुल भी नहीं आएंगे। लेकिन अगर इसके बाद भी दाने आते हैं, इतना करने के बाद भी दाने आते हैं, तो आप क्या करें, अपने धागा चलाने के ऊपर ध्यान दें। हो सकता है आपका धागा आपके स्किन को या आपके क्लाइंट की स्किन को लेकर निकल रहा हो, ये एट अ टाइम नहीं पता चलता है, वो थ्रेड करने के बाद, एक घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद जो होते हैं ना छोटे 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 स्पॉट आ जाते हैं, वो स्किन कट जाती है, हल्की हल्की सी स्किन आ जाती है धागे में, ऐसा इसलिए होता है। होप कि वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।